said it was the last time, but you keep coming back to Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और इस टाइम हमारा सबसे बड़ा काम रहता है घर को क्लीन करना, क्योंकि घर अगर क्लीन ना रहे ना तो मेरा पूरा ध्यान जो है उधर ही पड़ा रहता है। लेकिन फेस्टिवल है तो क्लीनिंग के साथ साथ ढेर सारे काम रहते हैं जो हम लोगों को करना पड़ता है और उसमें हम लोगों को अपना 100% देना भी पड़ता है। और इस फेस्टिवल सीजन में मुझे हेल्प करने के लिए मुझे मिल गया है आई लाइफ का T10S रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये मुझे हेल्प करता है और इसको यूज कैसे करना है। आई लाइफ T10S एक ऐसा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो बिना किसी इंसान के मदद के फ्लोर को साफ करता है। और ये ना बहुत अच्छी तरह से पैकेटिंग होके हमारे पास आया था। सो ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ मिला वो है एक मैनुअल बुक और साथ में था एक डस्ट बैग, जो कि एक एक्स्ट्रा डस्ट बैग था। और चलिए देख लेते हैं कि और क्या क्या टूल्स हम लोगों को मिला। ये तो है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और साथ ही साथ हम लोगों को मिला है मॉपिंग क्लोथ विथ बेस अटैच, साथ में दो एक्स्ट्रा मॉपिंग क्लोथ भी दिया गया है और साइड ब्रशेस के दो पेयर, साथ में क्लीनिंग टूल्स और एक हैपा फिल्टर। और लास्ट में आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं चार्जिंग डॉक और सेल्फ एम्प्टी स्टेशन। ये जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है ना, ये दिखने में जितना ब्यूटीफुल है उतना ही स्मार्ट है। आई लाइफ T10S 2-in-1 है, इसमें वैक्यूम और मॉपिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। इसमें 240 ml का एक वाटर टैंक है और 250 ml का एक डस्ट बैग है, तो इसलिए ये बड़ी सी बड़ी जगह को कवर कर सकते हैं। अगर आप घर में क्लीन कर रहे हो तो 60 डेज तक बिना किसी सर्विस का ये क्लीन कर सकते हैं। आई लाइफ T10S वैक्यूम क्लीनर में तीन टाइप का क्लीनिंग मोड है, पहला जिसमें वैक्यूम होता है, दूसरा जिसमें मॉपिंग होता है और तीसरे में वैक्यूम और मॉपिंग साथ में होता है। इसके अलावा इसका वॉइस सेप क्लीनिंग जो स्टेन रिमूव करने में मदद करता है। इसमें चार टाइप का क्लीनिंग पैटर्न है। पहला वाला है पाथ क्लीनिंग, इसमें एस सेप में क्लीनिंग होता है। दूसरा वाला है एज क्लीनिंग, अगर घर के कोने कोने में आपको क्लीन करना है तब भी आप कर सकते हो। तीसरा है स्पॉट क्लीनिंग, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर स्पॉट में क्लीनिंग करना है तो भी आप कर सकते हो। और लास्ट वाला है मैक्सिमम क्लीनिंग, और इस क्लीनिंग में सक्शन पावर को इनक्रीज करके क्लीनिंग किया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक रिचार्जिंग मोड है, इसमें जो चार्जिंग डॉक दिया गया है, अगर चार्ज खत्म हो जाता है या क्लीनिंग कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये अपने डॉकिंग स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और इसमें इस टाइप का दो व्हील रहता है और साथ ही साथ इसमें चार साइड ब्रशेस हैं, दो एक्स्ट्रा दिया रहता है और दो कलर मैच करके आपको फिक्स करना रहता है। You said it was the last time that you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. तो चलिए देख लेते हैं कि इस डस्ट टैंक को मेंटेन कैसे करते हैं। ये डस्ट टैंक और वाटर टैंक दोनों ही है। सबसे पहले ये है प्राइमरी फिल्टर, ये वॉशेबल है लेकिन इसको ड्राई करने के बाद ही आप रीयूज कर सकते हो। और ये है स्पॉन्ज फिल्टर और ये है लास्ट में हैपा फिल्टर,
ये वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ड्राई आप इसको क्लीन कर सकते हो और उसके बाद इसको ऐसे इस तरह से रीसेट करना पड़ता है। और ये है 240 ml का वाटर टैंक और नीचे रहता है मॉप क्लोथ्स। ये एक्चुअली बेस के साथ अटैच रहता है जो कि इसको इस तरह से फिक्स करना है और उसके बाद वाटर टैंक में पानी डाल के जस्ट मॉप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जब ये अपने सेल्फ एम्प्टी स्टेशन में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने सारे डस्ट है वो इस डस्ट बैग में आ जाता है और इसको आपको 60 डेज में एक बार क्लीन करना पड़ेगा। ये एक स्मार्ट लैडर नेविगेशन एंड मल्टी फ्लोर मैपिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसके ऊपर एक छोटा सा सेंसर होता है जो लेज़र का काम करता है। ये सेंसर 360 डिग्री के रेंज में लेज़र बीम्स को भेजता है, फिर इसका रिफ्लेक्शन डिटेक्ट करता है और इसको आप बहुत इजीली अपने मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक वॉइस सेव क्लीनिंग मोड है जिसको मोबाइल ऐप के थ्रू आप यूज़ करके घर के कोने कोने को क्लीन कर सकते हो। और इसमें चार टाइप का सक्शन मोड है जैसे इको, स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड सुपर स्ट्रॉन्ग। आई लाइफ टिटन एस को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए आप एलेक्सा या गूगल होम का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों इस फेस्टिवल में मुझे तो मिल गया है मेरा सबसे बड़ा हेल्पर जो मेरे काम को और भी ज़्यादा आसान कर रहा है। अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो और अपने काम को और भी आसान कर सकते हो इस फेस्टिवल में। तो चलिए बाय बाय, हैप्पी फेस्टिवल।